आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इतनी टेस्टी खस्ता पकौड़ियों की रेसिपी जो हमने सोयाबीन और प्याज से बनाई है, जो खाने में बहुत टेस्टी। अगर आपने एक बार किसी को बना के खिला दी ना, तो उसकी डिमांड बार बार रहेगी और पूछेगा कि आपने कैसे बनाई है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है, मुझे लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। रेखा की रेसिपी में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। चलते अपनी रेसिपी और चलते अपने किचन की। इसके लिए हमने ये 100 ग्राम के करीब ये सोयाबीन ले ली है। इनको गर्म पानी में हमने 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। सोयाबीन हमारी भीग चुकी है, देख सकते हैं। हल्का हमें दबा के बस इसका पानी निकालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं निकालना है। मिक्सी जाल में गिर के हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। सोयाबीन को हमने पीस लिया है, अब निकाल लेते हैं एक बाउल में और थोड़ी थोड़ी करके सारी सोयाबीन हम अपनी पीस के इसी तरह निकाल लेंगे। अब देखिए, हमने सारी सोयाबीन को पीस लिया है। इसमें हमने 3 प्याज ली हैं, ये मीडियम टाइप की, इनको लंबे उसमें काट लिया है। अब हम सारी प्याजें इसमें गिर देते हैं। 2 हरी मिर्च हैं, छोटे टुकड़ों में काट ली है, और कुछ हमने धनिया की पत्ती ली है। धनिया की पत्ती थोड़ी हमने ज़्यादा गिरी है, क्योंकि टेस्ट अच्छा आएगा और देखने में भी हमारी पकौड़ियाँ अच्छी लगेंगी। तो अब क्या करना है, हमें 3 चम्मच छोटे वाले बेसन का यूज़ करना है। 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं गिरना है, ताकि हमारी पकौड़ी अच्छे से बन सके। अब 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मिर्चा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक गिरा है हमने। नमक गिर के अच्छे से मिला लेते हैं। नमक वैसे आप अपने स्वाद अनुसार गिर सकते हैं, क्योंकि हमने सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ा नहीं था, उसमें पानी था, तो हमें इसमें पानी गिरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा मिक्सचर एकदम तैयार हो जाएगा, और इस तरीके से हमें हाथों की मदद से इसे अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि चम्मच से अगर फेंटेंगे तो अच्छे से हमारा मिक्सचर नहीं फेंट पाएंगे हम। तो इस तरीके से हमने मिला लिया है अपने मिक्सचर को। अब हमने कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब थोड़े छोटे छोटे आकार की हम इसमें पकौड़ियाँ गिरेंगे, और पकौड़ियों को गिर के हमें सारी पकौड़ियाँ गिर देनी है जितनी हमारी तेल में आएंगी, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं फ्रेंड, तो इसलिए हमारा तेल बचा हुआ था उसी में हम पकौड़ियों को फ्राई करेंगे। तो देखिए, पकौड़ियों को पहले पलटना नहीं है जब तक इनका कलर थोड़ा बदल ना जाए। अगर आप पहले पलट देंगे तो ये पकौड़ियाँ आपकी फट जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले नहीं चलाना है। थोड़ा कलर हमारी पकौड़ियों का बदलेगा तभी हमें पलटना है उनको। और हमें मीडियम गैस पे ही सेकना है, धीमी आंच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धीमी आंच पे बिल्कुल पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, तो इसलिए हमने मीडियम गैस पे, देखिए हमारी पकौड़ियों का कलर कितना अच्छा आया। पकौड़ियाँ तो आपने बहुत तरीके की खाई होंगी, लेकिन आप एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई करके देखिएगा। आप बार बार बनाएंगे, बन के तैयार है बहुत टेस्टी पकौड़ी।